जो लोग बोलते हैं ना कि हॉरर मूवी देखने से हमें डर नहीं लगता, लेकिन मैं शर्त लगा के बता सकती कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। उनकी भी पतलून ढीली हो जाती है हॉरर मूवी देखते टाइम। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शनिश्वरी, मेरे चैनल मुंबई कशोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से कर दीजिए। तो गाइज, आज मैं बात करने वाली हूँ कॉन्जरिंग 3 मूवी के बारे में। ये मूवी भले ही इंडिया में अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन वर्ल्ड वाइड में ये मूवी रिलीज हो चुकी है HBO मैक्स के साथ। ये मूवी इंडिया में भी रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना भाई की कृपा अभी ये इंडिया में रिलीज नहीं हुई है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इस मूवी का फर्स्ट डे का कलेक्शन रहा है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है 9.84 मिलियन। तो इसे आप एक अच्छा खासा कलेक्शन बोल सकते हो। जो लोग हॉरर मूवी के दीवाने हैं, उन्होंने कॉन्जरिंग की सीरीज तो देखी होगी, तो पहले 2 मूवीज तो उन्होंने देखी ही होगी, तो उनको इंतजार है अभी कॉन्जरिंग 3 का। लेकिन अभी तो उनके लिए इंतजार ही इंतजार है। लोग इसका ज्यादा इसलिए वेट कर रहे क्योंकि ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। तो फिलहाल तो अभी HBO मैक्स का एक्सेस तो इंडिया में नहीं है, लेकिन हमारा इंडिया है भाई, इंडिया में जुगाड़ ना हो ये तो हो नहीं सकता। बाकी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मूवी को कहाँ पर देखना है। ये मूवी फिलहाल अभी रिलीज हुई है, इसके लिए इसकी रेटिंग अभी फ्लक्चुएट हो रही है, तो इसकी रेटिंग के बारे में एग्जैक्टली कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सबके मिक्स कमेंट्स आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस मूवी को देखकर साला मेरा कुत्ता भी नहीं डरा, तो कोई कह रहा है कि ये मूवी देखते वक्त आपको जरूर किसी का सहारा लगेगा कि छुपने के लिए, क्योंकि इतनी ये मूवी डरावनी है। तो कह नहीं सकते कि सबके अलग अलग कमेंट्स आ रहे, तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये मूवी किसी है। तो इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा ये मूवी इंडिया में रिलीज होने का। तो आई होप गाइज मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।